हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गूगल शीट ऐप स्क्रिप्ट के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किसी भी वर्ड को उसको कैपिटल लेटर में कैसे लिखे या स्मॉल लेटर में कैसे लिखे, या पूरे वर्ड को अपर केस में कैसे लिखना है या लोअर केस को कैसे लिखना है, एंड कोई भी सेंटेंस में या कोई भी वर्ड का पहला लेटर को कैपिटलाइज कैसे करना है, आज हम वो कोड के थ्रू सीखेंगे। और मेरा डेटा ये है, इन डेटा को, इन नाम को मैं कैपिटलाइज करूंगा, पहले अपर केस में लिखूंगा, फिर उसको लोअर केस में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा आपको, एंड फिर एंड में हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कैसे करना है वो सीखेंगे। आइए स्क्रिप्ट एडिटर खोलते हैं। प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, सपोज अपर केस। चलिए लिखते हैं कोड्स। सबसे पहले मैं छोटा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं मैं, वेरिएबल सपोज नेम इक्वल टू अरुण, एंड एक सिटी डिफाइन करूंगा, वेरिएबल सिटी पेरिस। पहले मैं इन दोनों को आपको अपर केस लोअर केस में करना सिखाऊंगा, फिर मैं इस गूगल शीट के इन डेटा को करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें करना ये है, सपोज मुझे नेम को अपर केस करना है, तो मैं नेम डॉट टू अपर केस, यहां पे अपर का यू एंड केस का सी कैपिटल होगा, इसको मैं लॉगर में सेव कर देता हूं। आइए कोड रन करके देखते हैं। कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, कंट्रोल एंटर से लॉग को चेक करते हैं। ये देखिए, इसने अरुण को कैपिटलाइज कर दिया है। सिमिलरली अगर हमें स्मॉल में करना है, फॉर एग्जांपल हमारा पेरिस को मैं कैपिटल में कर देता हूं, एंड मुझे इसको स्मॉल में करना है, तो टू अपर केस की जगह टू लोअर केस यूज करेंगे। ये देखिए, ये पेरिस को इसने लोअर केस में कर दिया है। अब हम इन नेम्स को एक्सेस करेंगे एक एक करके, एंड इसको पहले अपर केस में लिखेंगे। इसको मैं कमेंट में डाल देता हूं। स्प्रेडशीट ऐप को कॉल कर लेंगे। डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, डॉट गेट शीट बाय नेम। मेरी शीट का नाम डेटा वन शीट है। इसको एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल एसएस, एंड एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, वेरिएबल रेंज एसएस डॉट गेट रेंज। सपोज सबसे पहले मैं ए टू को एक्सेस करता हूं, विच इज 2,1 एंड इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं वेरिएबल वैल्यू में, रेंज डॉट गेट वैल्यू। अब मुझे करना यह है 2,1 सेल की वैल्यू को अपर केस में करना है, तो मैं रेंज डॉट सेट वैल्यू करूंगा, इसकी वैल्यू होगी हमारी वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू थी डॉट टू अपर केस। आइए पहले एक सेल के लिए रन करके देखते हैं। रिक्वायर्ड परमिशन मैं दे देता हूं, मैं इसको स्किप कर देता हूं। चलिए अपने लॉग को चेक करते हैं।
चलिए चेक करते हैं अपने शीट को। ये देखिए इसने 2.1 सेल को कैपिटलाइज कर दिया है। अब हम इन सारे डेटा को एक्सेस करेंगे एंड एक एक करके कैपिटलाइज करेंगे। उसके लिए मैं फॉर लूप का यूज करूंगा, फॉर एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे वेर आई इक्वल टू, आई की वैल्यू मेरी 2 से स्टार्ट होगी एंड 6 तक जाएगी। आई लेस देन इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस। एंड इस रेंज को मैं मेरे वेरिएबल कर देता हूं i,1। आइए कोड रन करके देखते हैं। यहां पे एक एरर दिखा रहा है लाइन 4 में, एक्चुअली 4 का f स्मॉल में आएगा। अब फिर से रन करके देखते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। आइए अपनी शीट को चेक करते हैं। ये देखिए इसने सारे नेम्स को कैपिटल में कर दिया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2 अपर केस की जगह 2 लोअर केस करता हूँ तो ये सबको लोअर केस में कर देगा। ये देखिए इसने सबको लोअर केस में कर दिया है। अब हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। तो हमें हर एक नाम का पहला लेटर कैपिटल में कैसे लिखना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले एक अरुण का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं एज ए कमेंट डाल देता हूं। पहले पार्ट में मैं अरुण का ए लूंगा एंड उसको कैपिटलाइज कर दूंगा एंड दूसरे पार्ट को मैं आर यू एन जो है उसको मैं स्मॉल में रहने दूंगा और दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले नेम का फर्स्ट एलिमेंट यानी 0 इंडेक्स का एलिमेंट जो हमारा ए है उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। यहां पे ए कैपिटल हो गया, इसमें ऐड कर देते हैं आर यू एन। तो पहले अरुण को हम स्प्लाइस करेंगे ए एंड आर यू एन में एंड आर यू एन को इसमें ऐड कर देंगे। तो नेम डॉट स्लाइस का यूज करेंगे एंड कहां से हमें इसको स्लाइस करना है, जैसे हमारे हमें फर्स्ट पोजीशन से स्लाइस करना है मतलब फर्स्ट इंडेक्स के बाद, तो यहां पे हम 1 कर देंगे। इसको लॉगर में डाल के चेक करते हैं। लॉग को कॉल करेंगे। ये देखिए इसने अरुण के फर्स्ट लेटर ए को कैपिटलाइज कर दिया है। अब हम इस पूरे नेम को एक एक करके एक्सेस करके एंड सबको कैपिटलाइज करेंगे। इसको मैं कमेंट में डाल देता हूं एंड जो हमारा पहला फंक्शन था फॉर लूप वाला उसको मैं वापस से लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम डिफाइन करता हूँ एंड इस नेम में उस रेंज की वैल्यू ये i,1 की वैल्यू है उसकी वैल्यू सेट करनी है हमें ऐसे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। तो यहाँ पे मैं जो मेरा ये वाला फंक्शन बनाया था मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। चलिए कोड रन करके चेक करते हैं। ये देखिए इसने हर एक नेम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में कर दिया है। तो आज हमने सीखा किसी भी लेटर या वर्ड को कैपिटल में कैसे लिखे, स्मॉल में कैसे लिखे एंड उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कैसे करें।
दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।